आप देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। आइए दर्शकों, हम लोग मालेगांव शहर के सब्जी मार्केट में खड़े हुए हैं, जहां पर सब्जी मार्केट में मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि कुछ महिलाएं और कुछ जेंट्स हैं जो यहां पर धरने पर बैठे हुए। लेकिन ये महिलाएं ये जेंट्स धरने पर किस चीज़ को लेकर बैठे हुए, इनकी क्या मांग है, इनकी क्या डिमांड है इस कोरोना काल के अंदर, जहाँ पूरा देश परेशान है, पूरी रियासत परेशान है, वहीं पर कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। आप आइए मेरे साथ, आप देखते रहें कि किस तरीके से यहाँ अपना रोज़गार करके अपनी रोजी रोटी, अपना घर, अपना परिवार चलाने के लिए कुछ महिलाएं जो रोज़गार करती है वो यहाँ पर बैठी हुई है। वो क्यों बैठी हुई है, क्या वजह है उनकी यहाँ बैठने की, मेरे साथ में आइए पीछे और देखते हैं। मेरे साथ में कुछ लोग यहाँ पर मर्द हजरात यहाँ बैठे हुए, जेंट्स जो बैठे हुए महिलाओं के साथ साथ यहाँ पूरी मार्केट में व्यापार करने वाले आंदोलन के ऊपर बैठे हुए, क्यों बैठे हुए आंदोलन पर, ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई है कि इन्हें अपने हक और अधिकार के लिए आंदोलन पर बैठना पड़ा, क्या डिमांड है इनकी, क्या मांग है इनकी। हम इनसे मुलाकात करेंगे और बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनके क्या मुद्दे हैं, इनके क्या सवाल है। बात करते आइए, हिंदी में बोलो। शहर में आज से नहीं कई सालों से ये बाजी मार्केट बहुत जूनी वास्तु है। ये सब्जी मंडी कहीं नहीं थी तो इस मालेगांव को सब्जी मंडी नाम रखे गया, महात्मा फुले भाजी मार्केट। इसके बाद में वो मार्केट बना जहाँ पे सब्जी बेचे जाती है, वहाँ से ये लोग सब्जी खरीद के लाते हैं। लाने के वास्ते इनको 2 घंटा लगता है, 2 घंटा लगने के बाद में इनके पास में टाइम बचता है 2 घंटा। दुकान लगाने के वास्ते 1 घंटा 10 बजे 10:30 बजे इनकी दुकान लग जाती है। उसके बाद में पुलिस आती है, अपने कायदे कानून के हिसाब से बात करती है। कोविड का प्रादुर्भाव रोकने के वास्ते सरकार ने अगर नियम लगाया है तो मैं बोलता कि अब भाजीपाले के अंदर ही कोरोना है क्या, और जगह नहीं है क्या? हमारा डिमांड यही है कि भाजीपाले को जो 11:30 बजे तक का टाइम दिया है वो मुनासिब नहीं है, उसको 5 बजे तक टाइम बढ़ा के उन 5 बजे हमारे मुस्लिम भाई रोजा खोलने के वास्ते खरीदारी को आते, उनको फल फ्रूट मिलना चाहिए और उनको हिसाब से वो चीज़ मुनाइए करते आएगी जब यहाँ पे मार्केट चालू रहेगा। आपने कोई निवेदन प्रशासन को, निवेदन प्रशासन को देने जाओ, निवेदन लेने को उनको फुर्सत नहीं, वो बोलते व्हाट्सअप करो। अरे निवेदन देने के बाद में वो कचरे के पेटी में डाल देते हैं। बस शासनाचा आदेश, शासनाचा, ताली मत बजाओ भाई, ताली बजाने जैसी कोई बात नहीं, शासनाचा आदेश, हर चीज़ में शासनाचा आदेश। फिर मटका चल रहा उसको शासन का आदेश है क्या, कुत्ता गोली बिक रही उसको शासन का आदेश है क्या, जुगाड़ चल रहा उसको शासन का आदेश है क्या, गुटखा बिक रहा, हजारों तरुण हमारे दारू पी के रस्ते पे पड़ रहे, जहाँ दारू दुकान चालू है वहाँ पे सरकार क्यों नहीं रोकती आज आके जुल्म सिर्फ। आपका बोलना ये है कि मतलब सारे सबको समान कहने लगा, हाँ, और जो इलीगल धंधे उसके ऊपर रोक लगाई जाए, रोक लगाई जाए, वो नहीं रोक लगाया जाता। MLA बोलते फिर भी उसके ऊपर तवज्जो नहीं, असेंबली क्वेश्चन किया हमारे मुक्ति साहब ने, फिर भी कुत्ता गोली बिक रही, फिर भी गुटखा बिक रहा, बताओ मैं गुटखा मैं इनको बताता वहाँ पे क्यों नहीं कार्रवाई करते। आपका बोलना है कि पुलिस जास्ती कर रही है, बिल्कुल जास्ती कर रही है पुलिस की दादागिरी। अभी PI साहब आए थे, बोले यहाँ से उठ जाओ, हम तुम्हारे को लिखित में नहीं देते, मुँह जबान नहीं बोल सकते, मैं बोला जो बोल सकते उनको भेजो भाई, हमारी कैफियत है, हमारी कैफियत है, तुमको सुनना चाहिए, क्यों नहीं सुनते, हमारे रोजी रोटी का मामला है, नहीं तो हमको अटक कर लो, जेल में रखो, हमारे बच्चे तुम संभालो। हाँ तो अभी जाके बोले हम तुम्हारे ऊपर गुनाह दाखिल करेंगे, बोला कर दो जेल में रखो, हम मरने को भी तैयार है, ऐसे भी तो मर रहे ना, कोरोना असल तो हॉस्पिटल से पैदा हुआ ना, अभी जाओ तुम हॉस्पिटल में, कहा नियमावली है, जो कोविड पेशेंट है उसको मिलने के वास्ते मैं जाता हूँ, उसको खाना खिलाता हूँ, फिर बाहर आता हूँ, एक घर के 5 लोग सोएगांव के मर गए, काय की वजह से मरे, एक ही घर में 5। लेकिन कोरोना की परिस्थिति भी तो बहुत खराब दिन पर, मालूम है परिस्थिति का, हम तो हमने नियम पालने को तैयार है ना, मगर इतनी जासी 2 घंटे में क्या बेचेंगे भैया, तुम बताओ ना, तुम यहाँ पे आए तुमको कितना टाइम लग गया हो, तुम जहाँ से भी आए कितना टाइम लगा बताओ ना मेरे को, आप तो वैसा ग्राहक आने को भी, राइटिंग में आपने कोई डिमांड की टाइम बढ़ाने के, मैं क्या बोल रहा, डिमांड करने के बाद में सुनवाई नहीं, मनमानी चालू है, 2-4 लोग जाते, ये सब अनाड़ी लोग है बेचारे, इनको ढंग से बोलना भी नहीं आता तो ये क्या राइटिंग में देंगे, हकीकत को बयान करना बहुत जहर हो गया है, हकीकत को तुम बयान नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सभी लोग व्यापारी है क्या, और भी सब व्यापारी है, सब भाजीपाला किराना व्यापारी सब है, हाँ। अभी सुनो पूरी बात, बोला बोलो, सबसे बड़ी दिक्कत ये है मालेगांव का प्रशासन 2 तरीके से अपना कामकाज कर रहा है, एक तरह का पूरी छूट और सब्जी तरकारी जैसे जो आइटम है जिसको
शाम के वक्त लोग अपने पास घर पे लेके जाते 10-11 बजे तक, तो भैया आप जरा शांत। सबसे बड़ी दिक्कत अपनी ये है कि प्रॉब्लम ये क्रिएट हुआ कि सरकार की तरफ से जो फ्रूट के लिए, फल के लिए, सब्जी के लिए जो नियम है वो थोड़े यहाँ पर ये मार्केट के लिए खुला करना चाहिए। वैसे हर व्यापारी अपने वो व्यापारी को न्याय देना चाहिए, ये ज़रूरी है। छप्पन अगर पूरी नहीं होगी तो ये रमज़ान के सीज़न अभी जो चल रहा है वो सभी व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार ने लॉकडाउन के नियम के ऊपर एक बड़ी मात्रा में इसके बारे में सोचना चाहिए, ये हम विनंती करने के लिए आए। और भारतीय जनता पार्टी व्यापार आगे की तरफ से हम पूरे इस आंदोलन को सपोर्ट करते हैं। आंदोलन बैठी हुई है, असल हम मतलब जो है तो देश कहता है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ। महिलाएं यहाँ रोजगार को लेकर गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें, लेकिन ये महिलाएं अपना रोजगार करने के लिए खुद अपने हाथ से विकल्प पैदा करती है और खुद मतलब यहाँ बैठी। आइए उनसे बात करते हैं हम। डिमांड है, बाकी बच्चे लोग का ख्याल नहीं, कुछ नहीं हमारे पास। 11 बजे तक हमारी बोनी नहीं होती माल की, तब तक हम सुकून से बैठे रहते, हम बच्चे को कैसे क्या पालने का। बस आइए ना, यशोदाबाई श्रावण देवरी। कितने साल से आप इस मार्केट में व्यवसाय मतलब अपना काम करते हैं? बेटा हमको तो ये बुढ़ी हो गया, हम बचपन से इधर बैठते थे। अभी क्या दिक्कतें आ रही है? अभी तो बहुत दिक्कत है, उठाओ रखो उठाओ रखो। महिला को आते वो पुलिस भाई भी गाली देते, वो भी बोलते क्या हरामी है वो, उठाता नहीं जल्दी जल्दी उठा, भवाना बोलती वो।